रमजान का बरकती महीना बहुत नजदीक है। कुछ ही दिनों में हमें रोजे रखने का सवाब मिलने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं, रमजान के जो रोजे होते हैं वो फर्ज रोजे होते हैं, पर कुछ लोगों के लिए ये रोजे जो हैं वो थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि किन हालातों में हम रमजान के रोजों को शरई हुक्म से छोड़ सकते हैं। कुछ लोग कभी ऐसे हालातों में पड़ जाते हैं कि उनके लिए रोज़ा रखना कुछ मुश्किल हो जाता है। तो आज हम उन्हीं हालातों के बारे में जानेंगे कि शरीयत ने किन हालातों में पड़ने पर रोज़े छोड़ने का हुक्म दिया है। लेकिन ये हुक्म भी तब जब आप उस शरीयत की कुछ शर्तों को पूरा करें। ये शर्तें इसलिए ताकि कोई भी बेफिजूल में इन हालातों का फ़ायदा ना उठा पाए और गलत तरीकों से रोज़ों को छोड़ने की कोशिश ना कर पाए। इसलिए कुछ शर्तें जो हैं वो बताई गई हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल शेरे अली। मैं हूँ इरम अली और हमेशा की तरह जल्दी से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर हिट करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस जो है वो आपको टाइमली मिलते रहे। तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा आज का वीडियो जो है वो किस टॉपिक के बारे में है। हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे, आज और आने वाले चंद वीडियोज़ में हम ये डिस्कस करेंगे कि किन हालातों में रमजान के रोजों को छोड़ा जा सकता है। जो कि टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा है तो हम इन वीडियोस को जो है कुछ पार्ट्स में बनाएंगे ताकि एक ही वीडियो होने की वजह से वीडियो लंबा ना हो जाए। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है सफर से रिलेटेड, कि किस तरह से सफर और रोजे के मसाइल के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से सफर में रोजों को छोड़ा जा सकता है। हमेशा याद रखिएगा, इसके भी कुछ शर्तें हैं ताकि कुछ लोग इनका फायदा ना उठा सकें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो क्या शर्तें हैं जिनके पूरा होने पर रोजा छोड़ने का शरई हुक्म दिया गया है। तो शरीयत में सफर की तारीफ ये है कि आप अपने शहर से बाहर जा रहे हो और बाहर जाने का इरादा हो, कम से कम आप 92 किलोमीटर दूर जाएं अपने शहर से दूर, और कम से कम 92 किलोमीटर दूर जाने का आपने इरादा किया हो। तो अब जब तक आप सफर में हैं तब तक आप मुसाफिर हैं, पर अगर आप शहर में दाखिल हो जाते हैं, मतलब आप अपने शहर से जब किसी और शहर में जा रहे हैं तो दूसरे शहर में जब आप दाखिल हो जाते हैं, और अगर उस शहर में आपका कोई घर है या आपका कोई ऐसा पुराना घर, माँ बाप का घर, ऐसा कोई भी किसी का घर है, तब आप मुसाफिर नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर उस शहर में आपका घर नहीं है और आप किसी काम से बाहर गए हैं, तब ये देखा जाएगा कि आप कम से कम 15 दिन से ज्यादा उस शहर में ठहरेंगे। अगर आप 15 दिन एक ही जगह पर रहते हैं तब आप मुसाफिर नहीं कहलाएंगे। लेकिन आपका सफर 15 दिन से ज्यादा का है लेकिन आपको उन 15 दिनों में कुछ कुछ दिन अलग अलग शहरों में ठहरना है, तब आप फिर से मुसाफिर नहीं कहलाएंगे। तो चलिए एक बार और आपको सिंपल वे में समझाती हूँ कि आप दूसरे शहर में पहुंच गए हैं, किसी काम से गए हैं और आपका उस शहर में घर नहीं है, तो आपको 15 दिन से अगर आप ज्यादा रहते हैं तो आप मुसाफिर नहीं कहलाएंगे, मतलब आपको रोजे रखने हैं। लेकिन अगर आप 15 दिन से कम रहते हैं तब आप मुसाफिर कहलाएंगे। लेकिन अगर आप 15 दिन से ज्यादा रह रहे हैं और ऐसा कि आप 3 दिन एक शहर में, अगले 3-4 दिन अलग शहर में, ऐसे करके अगर 15 दिन से ज्यादा हो रहे हैं और आप 15 दिन से ज्यादा अलग अलग शहरों में बिता रहे हैं, तब भी आप मुसाफिर कहलाएंगे। तो इस हाल में जब तक आप अपने शहर वापस नहीं आ जाते, या उस शहर में जहां आपका घर है आप वहां वापस नहीं आ जाते, तब तक आप मुसाफिर ही कहलाएंगे। तो अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं, सफ़र की इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो आपको रोज़ा तर्क करने का, रोज़ा छोड़ने का हुक्म दिया गया है। तो चलिए ये तो बात हुई सफर और रोजे के मसाइल की। और एक रीजन और भी है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं और उस काम के अलावा आपका घर चलाने का कोई और जरिया नहीं है, ऐसा कि अगर आप वो काम नहीं करेंगे या उस महीने के लिए आप छुट्टी ले लेंगे तो आपका घर नहीं चल सकेगा, या वो आप काम छोड़ देंगे तो आपका घर नहीं चल सकेगा, और आपका काम जो है वो शदीद मेहनत वाला है,
है कि आप उस हालत में वो काम करते हुए रोज़ा नहीं रख सकते, आपकी तबीयत और जान को नुकसान होगा, तो भी आप रोज़ा जो है वो छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको दो हालात बताए जिनमें रोज़ा छोड़ने का शरई हुक्म दिया गया है, लेकिन हम जो ये आपको रीजंस बता रहे हैं, हालात बता रहे हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम इन रीजंस के चलते आसानियां ढूंढने लगे या ऐसे हालात देखने लगे कि हम रोज़ा छोड़ सके। जितना मुमकिन हो आप कोशिश करें, क्योंकि रमज़ान के रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ होते हैं, तो जितना मुमकिन हो सके आप कोशिश करें कि आपको रोज़ा रखना ही है। और ये जो आपको शर्तें बताई गई हैं, इन शर्तों को बहुत ही अच्छी तरीके से वेरीफाई करने के बाद कि हाँ आप पर ये सभी शर्तें लाजिम हैं या आप ये सभी शर्तों को पूरा करते हैं, तभी आप रोज़ा छोड़िए, किसी से मशवरा लीजिए, वरना छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढ कर रोज़ा छोड़ने की कोशिश ना करें, पूरी पूरी कोशिश करें कि आप रोज़े अपने मुकम्मल करें। और इन शर्तों को बहुत ही बारीकी से देखें कि आप पर ये अप्लाई हो रही है कि नहीं, तभी रोज़ा छोड़ें, वरना पूरी कोशिश करिए रोज़ा रखने की। तो बाकी के और रीजंस के लिए पार्ट टू ज़रूर वेट करिएगा, नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलेगा अगर आपने सब्सक्रिप्शन और बेल आइकन को हिट किया है। तो चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।